इस समय भीषण गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब हो गई है, साथ ही भीषण गर्मी की वजह से लू भी चल रही है। दूसरी ओर गर्मी के महीने में आग लगने की घटनाओं में भी अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित गोदवारा में एक गद्दे बनाने वाली फोम स्लिप प्रो कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक काले धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब कंपनी में 7 कर्मचारी काम कर रहे थे। 5 पुरुष कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 महिला कर्मी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, दोनों महिला कर्मियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। रायपुर के एडिशनल एसपी लखन पटले ने मामले की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। खमतराई थाने क्षेत्र के बसंत विहार क्षेत्र के गद्दे फैक्ट्री में आग लगी है। 4 बजे के आसपास आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल पहुंची है। जब जैसे ही आग लगी, चूंकि गद्दा था, फोम था, फोम में अचानक आग लगी, महिलाएं दूसरे गेट की तरफ भागी, पुरुष निकलने में बाहर सफल हुए, किंतु महिलाएं अंदर फंस गई थी, झुलस गई थी। अस्पताल भेजा गया है, बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है और सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। किस प्रकार से यहां काम चल रहा था, क्या किस परिस्थितियों में आग लगी, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। आग को काबू में पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 महिला पुरुष थे, जिसमें 5 पुरुष बाहर निकल गए, 2 महिलाएं अंदर फंसी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां काम कर रही है और आग को काबू में पा लिया गया है।